टूटने लगे हौसले तो याद रखना, टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में भी मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। आइए फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस की सीरीज का निगेटिव सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है उसकी पढ़ाई आज होगी, और इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, वांट, लाइक, नो, हाउ सब कुछ पढ़ाया जा चुका है, जो कि पिछले वीडियोस में है। आप वहां से जाकर के उसको देख सकते हैं। टेंस को कैसे पहचानते हैं, टेंस का बेसिक क्या है, ये सारा खत्म हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंसेस। पढ़ने वाले हैं निगेटिव सेंटेंस का सिंपल रूल भी पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस में जितने एप्लीकेशंस यूज होने वाले हैं वो सब भी पढ़ा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। निगेटिव सेंटेंस पढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम लोग अपना ध्यान आकर्षित करें अफर्मेटिव पर, तो अफर्मेटिव का जनरल यही फार्मूला था। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाते थे, सब्जेक्ट के बाद या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म लगाते थे, उसके बाद अदर वर्ड का यूज किया जाता था। यहां तक ही क्लियर था। निगेटिव में अकॉर्डिंग टू रूल अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब आ जानी चाहिए प्लस नॉट आ जानी चाहिए और अदर वर्ड, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आने लगा कि ये जो वर्ब है ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। मेन वर्ब के बाद अगर नॉट का यूज कर दिया जाए तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, तब फिर क्या किया जाए। तो मेन वर्ब के बाद नॉट न यूज हो, इसके लिए हम लोग एक बहुत ही प्यारी सी वर्ब ढूंढ करके लाए, जिसका नाम है डू। डू को पकड़ा गया, डू को पकड़ा गया, और इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब, एक्जुलरी वर्ब, एक्जुलरी वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया गया, किसको, डू को। और डू भी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू को पकड़ा गया और डू को एज ए हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब की तरह इसमें निगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब के जस्ट बाद आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। नॉट जब भी यूज होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब या एक्चुअली वर्ब के बाद ही यूज होता है, इसलिए डू को पकड़ा गया। डू की फॉर्म से अगर देखा जाए तो डू फॉर्म देखा जाए तो डिड होता है, थर्ड फॉर्म देखा जाए तो डन होता है, अगर इसमें आई एन जी जोड़ते हैं तो डूइंग फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, और इसका सिंगुलर फॉर्म बनाया जाए तो क्या लग जाता है, एस आई एस, यानी कि फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी, डज। यानी कि जब भी हम लोग, ये पहले भी बताया गया था आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो होती है प्लूरल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लूरल, और जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म थी वही होती है सिंगुलर। एक बात क्लियर हुई कि जब डू को लाया गया एज ए हेल्पिंग वर्ब तो फिर डू में प्लूरल था तो इसको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यहाँ यूज कर दिया गया है, देखिए डू नॉट। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट फंसने लगा मामला कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या यूज किया जाए, तो इसी डू में ऐसे ये ऐड कर दिया तो डच नॉट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आपका फार्मूला आपके सामने है कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो डू नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड का यूज करेंगे। कैसे सेंटेंसेस में, निगेटिव सेंटेंसेस में, कौन से निगेटिव सेंटेंसेस में, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस में। यहां तक बात क्लियर है। इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जैसे ही निगेटिव सेंटेंस मिलेगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो डू नॉट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मेन वर्ब के बाद नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। आइए एक दो एग्जांपल देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस आ गया कि मैं तुम्हें रोज नहीं पढ़ाता। चलिए भाई देखते हैं इसका कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को यूज में प्लूरल माना जाता है इसलिए प्लूरल मीन्स डू नॉट, आई के बाद तुरंत डू नॉट, आई डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पढ़ाना यहाँ की वर्ब है तो टीच, टी ई ए सी एच, टीच
किसको पढ़ाते हैं भाई तुम्हें, तो यू आई डू नॉट टीच यू कब, डेली, डेली मीन्स रोज। कैसे आसानी से ये सेंटेंस बन जाएंगे, आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल है कि सरला विद्यालय में गाना नहीं गाती है, इट मीन्स सब्जेक्ट क्या हुआ, सबसे पहले तो सब्जेक्ट है सरला। अब बताइए सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, तो देखेंगे सरला के लिए इट मीन्स सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट आ गया डज नॉट, डज नॉट, डज नॉट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो गाने का काम हो रहा है, डज नॉट सिंग, क्या भाई नहीं गा रही है, तो गाना, और सॉन्ग कहाँ नहीं गा रहे थे, इन विद्यालय में, इन स्कूल। तो इसी तरह से बिल्कुल आसानी से सेंटेंस आपके बन जाएंगे। ये हुआ निगेटिव का सिंपल रूल कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, प्लूरल के साथ डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, कहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव। आइए अब आगे देखते हैं कि यदि आपके निगेटिव सेंटेंस में ही वांट, नो, लाइक या गिव ऐसी कुछ ऐसे वर्ब आ जाए जिनके बाद इन्फिनिटिव का भी यूज करना पड़ता है, तो उसकी क्या क्या कंडीशंस है, आइए देखते हैं उसको। आइए देखते हैं यदि आपके सेंटेंस में, निगेटिव सेंटेंस में वांट, लाइक या गो आ जाए तब क्या करेंगे भाई। देखिए ये तीनों ऐसी वर्ब है ना, वांट मीन्स भी चाहना होता है, लाइक मीन्स भी चाहना, और गो मीन्स जाना, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये तीनों एक ऐसी वर्ब है जो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके बाद जस्ट एक और भी वर्ब आ जाती है उसी सेंटेंस में। तो सिंपल सेंटेंस के रूल के अकॉर्डिंग कभी भी एक सिंपल सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब नहीं होने चाहिए, इसलिए दूसरी वाली जो वर्ब आएगी उसको हमको नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा, और इसके लिए नॉन फाइनाइट बनाने के लिए हमको उसको इन्फिनिटिव में बदलना पड़ेगा या जीरेंड में, ये सब हम लोग तो उसको इन्फिनिटिव में बदलना पड़ेगा। तो इन्फिनिटिव में बदलने के लिए हमको उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का यूज करना पड़ता है। देखिए जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसको हम लोग इन्फिनिटिव में बदले हैं, दूसरी वाली जो वर्ब आएगी, और इस इन्फिनिटिव में बताए भी थे पहले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा देते हैं ना तो इन्फिनिटिव बन जाता है, ये आपका इन्फिनिटिव बन गया है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के फार्मूले क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग सिंगुलर रहा तो डज नॉट लगाएंगे, प्लूरल रहा तो डू नॉट लगाएंगे, यहाँ तक तो पहले भी क्लियर हो चुका है। फिर वांट, लाइक या गो, देखिए चाहना रहेगा तो वांट या लाइक में से कौन सा लगाएंगे भी पहले बता चुके हैं, और गो जब जाने की बात आएगी तो उसके बाद भी अगर दूसरी वर्ब आई है तो टू प्लस वो वर्ब लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे जो भी बचा रहेगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं क्या होता है भाई। वह अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता है, वह अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता, वह अंग्रेजी पढ़ना नहीं चाहता। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, डज नॉट लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है, तो ही डज नॉट लग गया। अब देखिए पढ़ना नहीं चाहता तो वांट लगाएंगे ना, तो ही डज नॉट वांट लग गया, इनमें से तीनों में से एक लगाएंगे वांट। अब देखिए टू प्लस भी वन, टू तुरंत लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो देखिए वांट लग गया चाहने का, पढ़ना बचा है तो टू रीड, क्या नहीं पढ़ना चाहता है, इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश, बहुत ही आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा दिए, देखिए फर्स्ट लेटर ही सब्जेक्ट है यहाँ। फिर डज नॉट वांट का मतलब हो गया नहीं चाहता है, इतने की पूरे की इंग्लिश हो गई। फिर टू रीड मीन्स पढ़ना, और बचा क्या, अंग्रेजी, ऐसे ही बन जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल है, वे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं। चलिए भाई इसमें देखते हैं, सब्जेक्ट आपका वे है सबसे पहले, तो टी एच ई वाई दे मींस वे, सब्जेक्ट लग गया, प्लूरल है तो डू नॉट लगाना है, दे डू नॉट, दे डू नॉट।
वांट या लाइक या गो में से क्या लगाया जाता है? देखिए पसंद करने की बात आई है तो लाइक, तो दे डू नॉट लाइक, और टू तुरंत इसके बाद लगा देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या बचा है, पसंद हो गया तो खेलना बचा है ना, तो दे डू नॉट लाइक टू प्ले, क्या खेलना पसंद नहीं करते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट बचा है, सी आर आई सी के ई टी, क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं तो दे डू नॉट लाइक टू प्ले क्रिकेट। इसी तरह से बहुत ही इजी एग्जांपल है, इस फार्मूले को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपसे गलती ही नहीं हो सकती है। आइए एक एग्जांपल गो का भी देख लेते हैं। नहीं जाता है, वह रामायण पढ़ने मंदिर में नहीं जाता। यहां भी देखिए दो दो वर्ब आ गई हैं, एक तो जाना वर्ब है और दूसरी पढ़ना, दो दो वर्ब आ गई हैं। तो फिर कोई बात नहीं, एक को फाइनाइट एक को नॉन फाइनाइट बना दिया जाएगा, फार्मूले यही रहेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट आपका क्या है ही, रामायण पढ़ने नहीं मंदिर नहीं, तो सब्जेक्ट हो गया ही है, तो डज नॉट सिंगुलर है तो भाई डज नॉट का लगा देंगे, ही डज नॉट, डज नॉट लग गया। गो लगाना है, जाने की बात आ रही है, गो क्या टू पहले तुरंत लगा देंगे, टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, पढ़ना, तो ही डज नॉट गो टू रीड क्या, द रामायण, द द रामायण कहाँ नहीं जाता है, मंदिर में, इन टेम्पल, इन टेम्पल, मंदिर में नहीं जाता है, इन टेम्पल, तो ही डज नॉट गो टू रीड द रामायण इन टेम्पल। तो यहाँ तक भी क्लियर हो चुका कैसे बनाना है जब कोई दो दो वर्ब आ जाए एक ही सेंटेंस में। तो आइए देखते हैं कि नो अगर आ जाए तो फिर कैसे बनता है सब सेंटेंस। आइए आइए देखते हैं कि यदि आपके निगेटिव सेंटेंस में नो आ जाए तो क्या होगा, क्योंकि आपको पहले से भी पता है कि नो एक ऐसी वर्ब है जिसके तुरंत बाद आप इंफिनिटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। यदि आप नो के बाद इंफिनिटिव का भी यूज कर देंगे तो आपका सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नो के तुरंत बाद इंफिनिटिव नहीं लगता है, बल्कि इंफिनिटिव के जस्ट टू के पहले हाउ भी लगाते हैं। नो मीन्स होता है जानना। फार्मूला की बात किया जाए तो सब्जेक्ट डू या डज नॉट सेम वही रहेगा, बस यहाँ नो लगेगा और नो के बाद इन्फिनिटिव नहीं बल्कि हाउ टू प्लस वी वन का यूज करेंगे। यहाँ तक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए सीधे एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपके सामने एग्जाम्पल है कि वह तैरना नहीं जानती है, ठीक है भाई, सबसे पहले तुरंत सब्जेक्ट सी, अकेला सिंगुलर है तो डज नॉट, डज नॉट लग गया, नो तुरंत लगा देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग, नो, हाउ टू तुरंत लगाएंगे नो के बाद हाउ टू, यदि आप नो के तुरंत बाद टू लगा दिए हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, बिकॉज नो डज नॉट टेक इन्फिनिटिव, नो के बाद तुरंत हाउ टू। और क्या बचा है, देखिए दो दो वर्ब आई थी, एक जानना वर्ब थी यहाँ, एक तैरना, जानना का नो लिख दिया गया, तैरना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, स्विम, हाउ टू स्विम, तो सी डज नॉट नो हाउ टू स्विम, बिल्कुल करेक्ट आंसर। एक एग्जांपल और देखते हैं, नहीं जानता मैं गणित के प्रश्न हल करना नहीं जानता हूं। सबसे पहले बात किया जाए यहाँ सब्जेक्ट की, तो मैं की इंग्लिश आई, आई के साथ डू नॉट, डू नॉट, वर्ब देख लिया जाए तो जानना एक वर्ब रहेगी ही, दूसरा वर्ब है यहाँ हल करना, हल करना मतलब सॉल्व करना, तो आई डू नॉट नो, नो के तुरंत बाद हाउ टू, हाउ टू क्या सॉल्व, हाउ टू हल करना का सॉल्व, क्या गणित के प्रश्न, द क्वेश्चन ऑफ, द क्वेश्चन ऑफ मैथ, द क्वेश्चन ऑफ मैथ, यानी कि आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ, आई डू नॉट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैथ। तो इस तरह से
नो भी आए तो टू नहीं बल्कि हाउ टू का यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। और भी क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको और भी मिलने वाली हैं। अब इसके जस्ट बाद मैं नो और नेगेटिव से रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज दे रहा हूँ यहाँ कुछ क्वेश्चंस, जिसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में सेंड करना होगा। तो आइए सबसे पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो यहाँ आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दिख रही होंगी जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस से है। तो आप अच्छे से इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें और अपना नाम भी लिखें, ताकि हमको ये भी पता चल सके कौन ये एक्सरसाइज बना करके सॉल्व करके भेजा है। और इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल पे, चाहे तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए और लाइक शेयर करने के लिए ढेर सारा धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।